यो व्हाट्स अप गैंग, सच बताना आपको ये ट्रिक सीखना है? नहीं है सीखना है, मेरे को मालूम है सीखना है, नहीं बोले फिर भी सिखाता मैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आज आपको सिखाने वाला है हाउ टू डू व्हीली इन इजी स्टेप। सबसे इजीएस्ट स्टेप सिखाएंगे आपको एंड पूरा कम्प्लीटली बोलेंगे ऐसा क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग जिससे आपका एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो एंड बहुत जल्दी आप सीख लो। एंड तक देखना पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो को जरूर से लाइक करना। कुछ भी करने से पहले प्लीज हेलमेट जरूर पहन लेना, ये हेलमेट दे तो मेरे को कोई जल्दी। कुछ भी करने से पहले हेलमेट जरूर पहन लेना, नहीं तो गिरेगा तो सर तो फूटेगा पीछे का पूरा, तुम्हारा ही फूटेगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं, मेरा बोलने का काम है, हम बोल दे रहे, तुम्हारा पहनने का या ना पहनने का तुम्हारा ऊपर है। सेफ्टी फर्स्ट कुछ भी हो पहन के करना, सेफ्टी फर्स्ट कुछ भी हो पहन के करना, समझ रहे हो? अगर मेरे को इंस्टा फॉलो करना चाहते हो तो इधर ही कहीं हैंडल आता होगा, तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ बोलेंगे, जैसे गियर से व्हीली करते हैं एंड जिसका साइकिल में गियर नहीं है उसका भी बोलेंगे, तुम्हारा ब्रेक सही होना चाहिए, तुम्हारा सीट बहुत मैटर करता है कितना गियर में तुम्हारा साइकिल है, तुम्हारा गियर एकदम लो पे करना जितना हो सके, सीट को थोड़ा ऊपर कर लेना एंड सीट देखना तुम्हारा सीट थोड़ा इंक्लाइन होना चाहिए तभी बेटर रहेगा, नहीं तो तुम पीछे स्लिप करके गिर जाओगे। तुम्हें देख लेना तुम्हारा ब्रेक अच्छा धरना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं धरेगा तो तुम्हारा प्रॉपर व्हीली होगा नहीं, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है व्हीली में। ओके तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारा पैडल प्रेशर एंड हैंड प्रेशर। जब व्हीली आप उठाने जाओगे आप देखोगे आप बहुत जन करते हैं जो ऐसा सिर्फ हैंड से खींचता है, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग बेवकूफी करता है और कुछ नहीं करता है, तो ट्राई करो हाथ से नहीं खींचने का, पैडल का फोर्स हैंड का फोर्स 70% आपको पैडल का फोर्स लगेगा एंड 30% तुम्हारा हैंड फोर्स लगेगा, दोनों को कंबाइन करके आपको व्हीली को उठाना है, धीरे धीरे लेके जाना है। अब पहले वो थोड़ा प्रैक्टिस करो उठाने का धीरे धीरे, अगर देखो कि आप ज्यादा जब उठा ले रहे हो ट्राई करो ऐसा साइकिल से उतर जाने का पीछे से, नहीं तो आप गिरोगे एकदम सर के बल। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जितना हो सके आप ट्राई करो ब्रेकिंग सीखने का, क्योंकि ब्रेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप पहले व्हीली करके धीरे धीरे क्लिपिंग करना स्टार्ट करो, जैसे देख रहे हो आप ज्यादा पीछे चल जा रहे हो तो हल्का हल्का ब्रेक मारो, फिर देखना साइकिल फिर से आपका सीधा हो जाएगा, फिर आप पैडल यूज करो, वही थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले पीछे जाएगा फिर धीरे धीरे ब्रेक मार के, एंड ट्राई करना साइकिल को एकदम लाइक एक बैलेंस पॉइंट में रखने का, ताकि साइकिल ज्यादा नीचे ना रहे ज्यादा ना ऊपर चल जाए, आपको एकदम मिडिल में रखना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है आपको ब्रेकिंग वैसा सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। एंड मैंने बहुत जन को देखा है खड़ा होकर व्हीली मारता है, ऐसा खड़ा होकर व्हीली मत मारो एकदम ही, तुम्हारा व्हीली ज्यादा दूर जाएगा नहीं एंड अच्छा भी नहीं लगता है, तो जितना ट्राई करो सीट में बैठ के व्हीली करने का तभी आपका परफेक्ट व्हीली होगा, आपका कंट्रोल होगा ब्रेकिंग में, तो आप ज्यादा स्पीड नहीं जाओगे एंड आपका पूरा व्हीली में कंट्रोल रहेगा। और एक चीज है वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आप कहां देख रहे हो व्हीली मारने का टाइम, ट्राई करो जितना हो सके नीचे देखने का ट्राई करो, रोड देखने का ट्राई करो, ऊपर मत देखना या साइड में मत देखना या हैंडल को मत देखना, अपना ट्राई करो अपना रोड देखने का, तभी आपका फोकस अच्छा बना रहेगा एंड आपको बैलेंस मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आता है, बेसिक स्टेप है जैसे कि मैंने पहले बोला बैलेंस पॉइंट, ये दूसरा टाइप का बैलेंस है थोड़ा, क्योंकि जैसे देख रहे हो व्हीली मार रहे हो देख रहे हो आप साइकिल इधर उधर गिर जा रहा है, उसका एक रीजन है हैंडल को ज्यादा रोटेट मत करो, लाइक ज्यादा हैंडल को ऐसे ऐसे घुमाओ मत, जितना ट्राई करो अपना आर्म स्ट्रेट रखने का ट्राई करना, आप ऐसे ऐसे तो करते हो उससे भी प्रॉब्लम होता है, हैंडल स्ट्रेट रखने का ट्राई करो, अपना शोल्डर भी थोड़ा पीछे करके रखने का ट्राई करो, जो बैलेंस पॉइंट रहे वो एकदम मिडिल में हो, आपका बॉडी मिडिल में हो, अगर देख रहे हो साइकिल तुम्हारा इधर जा रहा है तो अपना बॉडी थोड़ा इधर करो, देख रहे हो साइकिल आपका इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड जा रहा है तो आप बॉडी अपना राइट साइड करो, तो ऐसा करके बैलेंस करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे करके, तो प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाओगे कैसा क्या करना है। इतने देर से हम समझा रहे थे गियर वाले साइकिल में कैसे व्हीली करना है, अभी आपको समझाएंगे नॉन गियर में व्हीली कैसे किया जाता है, हम ज्यादा रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि आप सीख लोगे बट ज्यादा दूर आप लेके नहीं जा पाओगे, आपका थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसमें बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। नॉन गियर में आपको थोड़ा स्पीड में जाके पिकअप करना है, नॉन गियर का यही है वही आपका ब्रेकिंग आपका सही होना चाहिए, ब्रेक सही होना चाहिए नहीं तो आप गिरोगे एकदम स्पीड में ही, बस कुछ नहीं है आपको थोड़ा स्पीड लेना है, स्पीड लेके एकदम जैसे पहले बताया टेक्निक लेके आपको उठा के, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एकदम आपका कुछ नहीं होने वाला है, अगर वीडियो देख के आप सोच रहे हो वीडियो देख के ही हम कर देंगे घर में बैठे बैठे सोफा में बैठ के या एकदम कंफर्टेबल होके देखोगे तो ऐसे होगा, आपको थोड़ा घर से बाहर जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दो दिन का खेल नहीं है ये, आपको 3-4 दिन आपका मैटर करता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ट्राई करना थोड़ा क्राउडली एरिया अवॉइड करने का, क्योंकि ये सब चीज खुले रास्ते में या ज्यादा आदमी नहीं है ज्यादा कार नहीं है ज्यादा बाइक नहीं है, जितना हो सके खाली जगह में करना ट्राई करना। ऑलराइट दैट्स ऑल, यही था पूरा बेसिक व्हीली आपका कैसे किया जाता है स्टार्टिंग से एंड तक नॉन गियर एंड गियर में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करना एंड सबको शेयर कर दो, जिसको जिसको सीखना है जिसको जिसको नहीं सीखना है उसको भी शेयर कर दो, बोलो देखो तुम साला वीडियो, सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी मेरा सब्सक्राइब बढ़ाओ भाई का, थोड़ा सपोर्ट करो मेरे को, अगर इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो कर देना एंड आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है कमेंट में बताओ, सबका रिप्लाई मिलेगा आपको, क्या क्या क्वेश्चन है क्या क्या नहीं हो रहा है क्या क्या हो रहा है। वेट
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो एंड ट्यूटोरियल में। आपको क्या क्या ट्यूटोरियल चाहिए नहीं कमेंट करके बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टैंड एंड राइस सेफ, पीस आउट। चलो चलते हैं।